हेलो माय डियर व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है बी स्मार्टी में। इस वीडियो में जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, कंप्लेन लेटर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपसे दावा करता हूं कि जिस तरीके से मैं कंप्लेन लेटर आपको बताने जा रहा हूं ना, वैसा आपने नहीं सीखा होगा, ठीक है। तो मेनली जो कंप्लेन लेटर जो होता है वो जस्ट तीन टाइप्स के होते हैं, जिसको मैंने दो टाइप में सबसे पहले कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, एक जो कंप्लेन लेटर है वो आपको लिखना है टू अथॉरिटी, ठीक है, यानी कोई भी अथॉरिटी के पास लिखना है। किस चीज के रिगार्डिंग? रिगार्डिंग एनी लोकल इशू या प्रॉब्लम। यानी मान लो आपके लोकेलिटी में कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम। मान लो कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन में इलेक्ट्रिसिटी की सबको जरूरत है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में नहीं पहुंच रही है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, जैसे कि वाटर सप्लाई जो हो रही है वो अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है, जो गंदे वाटर जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा सबके घर में, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो गंदा क्वालिटी का जा रहा है, उसके रिगार्डिंग आप यहाँ कंप्लेन लेटर लिख सकते हो। या फिर मान लो कि आपका जो नेबर है वो बहुत ही ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन कर रहा है, बहुत ज्यादा नॉइस कर रहा है, जिसके वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी आप यहाँ पे कंप्लेन लेटर लिख सकते हो। और एग्जांपल, मान लो आपके घर के सामने कोई पार्क है, ठीक है, और उस पार्क में आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखी जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई भी आता है वहां पे ग्रुप बना के बैठ जाता है और स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब करने लगता है, तो इससे क्या हो रहा है कि चिल्ड्रेन पे, बच्चों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग भी आप अथॉरिटी के पास कंप्लेन कर सकते हो। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ कंप्लेन लेटर। इसके बाद आता है आपका सेकेंड टाइप ऑफ कंप्लेन लेटर, जिसको हम बोल सकते हैं अनसेटिस्फेक्शन, सॉरी इसको बोलेंगे डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब डिससेटिस्फेक्शन को मैं दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहा हूं, ठीक है। डिससेटिस्फेक्शन जो होगा वो आपके दो टाइप्स के होंगे। सबसे पहला हो जाएगा रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट दैट यू हैव परचेस्ड, और सेकेंड जो आपका हो जाएगा रिगार्डिंग योर स्टे। अब मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ये है क्या, ठीक है। मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, सपोज आपने आप एक शॉप पे गए, वहां पे आपने एक टेलीविजन देखा, तो वो टेलीविजन आपको बड़ा पसंद आया, आपने क्या किया, वो टेलीविजन का ऑर्डर दे दिया। अब आप जब वो टेलीविजन को घर पे लेके आए तो 10-15 दिन तक अच्छी तरीके से वो काम किया, लेकिन उसके बाद वो टेलीविजन जो है वो डिफेक्टिव निकल जाता है। मींस हो सके तो उसमें लाइनिंग आने लगती हो या स्पीकर प्रॉब्लम हो गया, मींस कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है वो आपको उस प्रोडक्ट में हो ही जाएंगी। तो आपको कंप्लेन लेटर के इस पार्ट में आपको लिखना है, ठीक है। और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो आपने कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, ऑर्डर किया, मान लो आप शू शॉप में गए और वहां जाकर आपने शूज देखा और आपको वो शू बड़ा पसंद आया, तो आपने क्या किया, वो शू ऑर्डर दे दिया, भाई मेरे घर में इसको डिलीवरी करवा देना। लेकिन जैसे ही आपके पास वो डिलीवरी पैकेज आता है, आप उस पैकेज को खोलते हो और खोलने के बाद आप देखते हो, अरे ये क्या, ये दोनों जो शूज है वो तो एक ही पैर के है, मैं इसको पहनूं कैसे। तो इस रिगार्डिंग में आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन लेटर लिख सकते हो। एंड थर्ड टाइप ऑफ कंप्लेन लेटर जो है वो आपका आएगा, मान लो कि आपने एक होटल का कहीं पे एडवर्टाइजमेंट में देखा कि यहाँ पे फ्री वाईफाई है, यहाँ पे ये है, कम दाम में चीप होटल है, साथ साथ में अच्छे बेडरूम्स हैं, स्विमिंग पूल है, ये है वो है, पूरा बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप वहां पे स्टे करने गए तो आपने देखा ना तो वहां पे वाईफाई काम कर रहा है, ना आपका बेड उतना क्लीन है, ना वहां पे हाइजीनेशन का अच्छे से ध्यान रखा गया है, ना ही स्विमिंग पूल चल रहा है। मीन्स जो जो आपने देखा उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपको सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए बताया गया था, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप अगर कहीं पे जाकर स्टे करते हो, उस रिगार्डिंग आपको बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन होता है वहां से, उस होटल से, तो वहां पे आप इस टाइप के लेटर लिखते हो, ठीक है। तो आज के इस पूरे के पूरे वीडियो में मैं जो है वो इस टाइप को कवर करने वाला हूं, ठीक है। यानी अगर आप कोई अथॉरिटी के पास अगर लेटर लिख रहे हो तो उसका जो आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। हाँ, और एक चीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको क्या करें, लाइक जरूर करके जाए, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ओके। एंड ऑल्सो देयर इज अ टेलीग्राम लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो गो एंड चेक इट आउट। सो अब हम लोग देखने जाएंगे किस तरीके से हम कोई
अथॉरिटी के पास जब हम लेटर लिखते हैं तो जो बच्चा नहीं भी जानता है ना, जो बच्चा नहीं भी जानता, थोड़ा सा अगर उसके पास इंग्लिश का नॉलेज है ना, वो अगर इतना लिख कर कुछ और लिख देगा ना तो उसको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नहीं वो तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा होगा सेम फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। हम यहाँ पे अपना लिखेंगे फ्लैट नंबर या बिल्डिंग नंबर, उसके बाद स्ट्रीट या कॉलेज, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे एरिया, और मैं आपको हर एक लेटर में हर एक वीडियो में बताते जा रहा हूँ कि आप पिन कोड लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे आपको लिखना है पिन कोड, फिर आपको एक लाइन जीप करना है, उसके बाद आपको लिखना है डेट। हर बार मैं यही बताऊंगा डेट कैसे लिखते हैं, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया था। जैसे कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 13th of November है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13th November 2020, या फिर हम लिख सकते हैं November 13th 2020। तो आपको इस टाइप से डेट लिखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड का यूज नहीं कर सकते कोई भी फॉर्मल लेटर में, नवंबर का आप NOV नोब नहीं लिख सकते, आपका ये एरर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन लिख करना है, यहाँ पे लिखना है द, और जिनके पास भी आप लिख रहे हो, जैसे कि आपको बोल दिया राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, तो आपको यहाँ पे लिखना है द म्युनिसिपल कमिश्नर। अगर आपको बोल दिया राइट अ लेटर टू द SP, तो आपको यहाँ पे द SP लिखना है। तो आपको जिसके पास भी लेटर लिखना होता है ना, कंप्लेन लेटर, आप यहाँ पे द करके उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे डाल देना। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है एरिया, आप किस जगह पे लिख रहे हो, ठीक है। इतना लिखने के बाद, ये आपका लेटर टू एडिटर नहीं है इसलिए यहाँ पे आप सब्जेक्ट को पहले डाल सकते हैं, आप यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देना, ठीक है। हाईलाइट द प्रॉब्लम इन वन लाइन, ठीक है। तो आपके जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप वन लाइन में लिख दोगे, ठीक है। ध्यान रखना आप यहां पे लिख सकते हो कंप्लेंट रिगार्डिंग, ठीक है, कंप्लेंट रिगार्डिंग, हाँ। उसके हिसाब से मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक बोनस टिप देता हूं। क्या आप बता सकते हो कि अगर मैं लिखता हूं शिकायत और मैं लिखता हूं शिकायत करना, दोनों की जो इंग्लिश होगी वो क्या होगी? वेरी सिंपल, अगर मैं लिख रहा हूं शिकायत करना तो इसका इंग्लिश होता है कंप्लेन, ठीक है, और ये हमारा है वर्ब। लेकिन जब हम शिकायत नाउन की बात कर रहे हैं तब यहां पे हो जाता है कंप्लेंट। तो ये जो कंप्लेंट वर्ड है ना, ये कंप्लेंट वर्ड हमारा नाउन है और ये जो कंप्लेन वर्ड है वो हमारा वर्ब है। तो जब हमको शिकायत करना यूज करना है सेंटेंस में तब हम लिखेंगे कंप्लेन, और जब हम सिर्फ शिकायत की बात करते हैं तब वहां पे हम लिखते हैं कंप्लेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट अपन हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग यहां पे लिखेंगे सर या मैम, या फिर आप यहां पे रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप यहां पे सर ऑब्लिक मैम कर देना। तो जब आपको जेंडर पता हो कि आप किसके पास लिख रहे हो, ये जो डेजिग्नेशन लिखा हुआ है अगर उसका जेंडर आपको पता हो तो आप यहाँ पे सर या मैम जो भी है वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको जेंडर ना पता हो तो आप ऐसे करके लिखोगे ना तो ये एक अच्छा इंप्रेशन आपके और डालता है। यहाँ पे सर और मैम लिखने के बाद आपको जो इंट्रोडक्शन पैरा लिखना है ना वो मैं आपको दे रहा हूं, वो मैं आपको दो टाइप का दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप लिख सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ आर कॉलोनी आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द सॉरी ड्रॉ योर सॉरी यहां पे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स। अब यहां पे आप क्या करोगे, अपना प्रॉब्लम मेंशन कर दोगे, ठीक है, डॉट डॉट डॉट।
आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, आई एम जो भी लिख दोगे, एंड आई वुड लाइक टू, उसके बाद ड्रॉ योर काइंड इंटेंशन टुवर्ड्स जो भी है प्रॉब्लम हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लो, ये जो मैंने ऑन बिहाफ ऑफ द यूज किया है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो कि आपके पूरे के पूरे इलाके में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, और आप अपने रेजिडेंट्स के तरफ से, तो ऑन बिहाफ ऑफ द का मतलब होता है के तरफ से, तो आप अगर किसी के तरफ से कुछ काम करते हो तो वहां पे आप ऑन बिहाफ ऑफ द लगाओगे। तो वैसे ही आप पूरे रेजिडेंट्स के तरफ से क्या कर रहे हो, ये लेटर लिख रहे हो, ठीक है। तो लेटर टू एडिटर में हमने क्या देखा था कि आपको किसी ऑथोरिटी का जो अटेंशन था ना, वो उस लेटर के थ्रू आपके प्रॉब्लम तक लाना था, लेकिन इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि आपको सीधा उसी ऑथोरिटी का ध्यान जो है वो आपके प्रॉब्लम तक लाना है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पैरा। इसके बाद आप यहां पे क्या लिखोगे, डिटेल, और यहां पे डिटेल में क्या करोगे, मेंशन 2-3 प्रॉब्लम्स। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है वो आपको यहां पे क्या करनी है, मेंशन कर देनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लास्ट कंक्लूजन पैरा है वो हम कैसे लिखेंगे। आई therefore request you kindly to look into the matter at once and try to get the problem resolved at the earliest. So that we उसके बाद आपको जो भी अपने मन से बोलना है वो आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब मैंने क्या बोला, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप क्या कीजिए, इस मैटर पे एक बार ध्यान दीजिए, जांच पड़ताल करवाइए और कोशिश कीजिए कि ये जो प्रॉब्लम है ना वो जितनी जल्दी हो सके रिजॉल्व हो जाए। हाँ, एक यहाँ पे गलती जो है वो बच्चे क्या कर देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपके एरिया का जो एरिया के जो रोड्स है ना वो खराब हो चुके हैं, ठीक है, तो एरिया के रोड जब खराब हो गए हैं तो आप क्या करोगे, लेटर लिखोगे, तो वो जो अथॉरिटी बैठा होगा, मान लो म्युनिसिपल कमिश्नर बैठा हुआ है, तो क्या आप बोलोगे कि भाई आप आओ और आकर रोड को सही करो, उसको ठीक करो, ऐसे बोलोगे, नहीं बोल सकते ना। तो उस समय आप डायरेक्ट उसको नहीं बोल रहे हो, आपको बोलना है कि सर आप क्या करो, हमारे जो रोड्स है ना उसको रिपेयर करवा दो, आई रिपीट, कर दो नहीं, करवा दो। तो इन केस आपको यहाँ पे किसका यूज करना है, गेट का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गेट लिखने के बाद आप जो भी प्रॉब्लम को ठीक करवाना चाहते हो, अगर मान लो कि आप रोड्स ठीक करवाना चाहते हो तो आपको बोलना है गेट द रोड्स रिपेयर्ड, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम को ठीक करवाना है, सही करना है, तो आप लिख रहे हो गेट द प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड। तो इस तरीके से आपको यह ध्यान रखना है कि आप उस अथॉरिटी से डायरेक्ट काम नहीं करवा सकते, आपको बोलना है भाई अब काम कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ दे दिया है, गेट द प्रॉब्लम रिजॉल्व एट द अर्लीस्ट, सो डेट, उसके बाद आपको जो लिखना है अपने मन से कुछ आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखना है थैंकिंग यू, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखना है योर्स सिंसियरली ट्रूली या फेथफुली, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर मारना है, जो भी नेम का आपका सिग्नेचर दिया होगा, और फिर यहाँ पे आपको वो नेम लिख देना, ठीक है। और ये जो आपका लेटर है कंप्लेंट लेटर फर्स्ट टाइप का, वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट टाइप का कंप्लेंट लेटर ओवर करवा दिया है, और जो सेकंड टाइप का कंप्लेंट लेटर आने वाला है ना, उसमें भी दोनों जो है ना वो बिल्कुल सिमिलर सिमिलर होंगे, ठीक है, उसमें कोई अलग नहीं होगा, वो भी जो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, और साथ साथ में मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा कि आपको इसको लिखना कैसे है। तो आपको बस एक ही काम करना है कि आप क्या करो, इस वीडियो को शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। तो बस आपसे बस एक छोटी सी मदद चाहिए कि आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को पूरे अच्छे से देखो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वंस, ओके, एंड लव यू ऑल।